सीटियां बजा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा धारा 377, आर्टिकल 377। यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई। कवि सम्मेलन में मैं कुछ भी आपको सुनाऊं, कुछ भी सुनाना प्रारंभ करूं, क्योंकि मौसम फागुनी है, हवाएं बासंती है, तो चार लाइनें अपने प्यार को याद करते हुए। यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, हर फूल हर कली में अपनी बात चल गई। युवाओं के बीच में कवि सम्मेलन पढ़ रहा हूं, सारे ही मोबाइल से मेरा वीडियो लेने लग गए हैं। देखिए, मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। कोने में कुछ कन्याएं वीडियो ले रही हैं, आप लोग लेती रहें। नजदीकी बढ़ाने का मन करे तो जूम कर लेना, एक सिटी के लिए धन्यवाद। बस बस, अभी ऐसे बहुत मौके लगेंगे, चार लाइनें सुनना बस। आप लोग ये मोबाइल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, बस थोड़ी देर, आपको चार लाइनों का और आनंद देता हूं। महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं। कॉलेज में उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा, उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा। आंखों को ख्वाब अब भी उसी के दिखा रहा, कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था। अब तक जुबान पे स्वाद आप लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाया होगा, क्या नहीं कह रहे, बजरंग दल में हो क्या? पहले मैं शिव सैनिक बोलता था, लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ वैलेंटाइन डे मनाने लगी है, तो बजरंग दल बता पाता हूं। आप लोगों ने कैसा मनाया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कैसा मनाना चाहिए। हरि ओर शोर हो रहा इश्क का, हर ओर शोर हो रहा हमारे इश्क का, मिलता नहीं इलाज कुछ भी दिल की कसक का। कुछ इस तरह मनाए अब के वैलेंटाइन डे की सबको इंतजार रहे बाल दिवस का।
रोमी हो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए थे। योगी जी से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 4 घंटे बाद ही पूछते थे, बेटा कहाँ रह गई। अब स्थिति बिल्कुल उल्टी है, अब कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं। तो योगी जी उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो और 4 लाइनें। हंसते हुए देख रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहां की लड़कियों ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर 2 बार पप पप करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। पहले साल से लेकर के और अंतिम 3rd-4th साल तक क्या स्थिति हो जाती है, 4 लाइनें सुनिए। कम सिन सी काली भोर की कुंभला सी जाती है, जब वो फर्स्ट ईयर में आती है और पास करते करते 4th साल में क्या स्थिति। कम सिन सी काली भोर की कुंभला सी जाती है, होती है गुल बदन सी वो मुरझा सी जाती है, जा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा धारा 377 आर्टिकल 377। पहली लाइन में मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 377 क्या है, तो पहली लाइन पे मजे और चौथी लाइन पे आनंद लेना। धारा की बात हुई है तो 370 या 377, लेकिन एक में अत्तर लगा के, इत्र लगा के एक धारा बना रहा हूं, वो ये कि सीट न बजाइए, ये आपके प्रांगण के अनुकूल नहीं है, कवि सम्मेलन की मर्यादा के विपरीत है, ऐसा होता नहीं है। तो कुछ परंपराओं का निर्वाह किया जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप जो समर्थन कर रहे हैं तालियां बजा दें। आप ये सुनिए, गलत बात, जिसने बजाई है उसके पड़ोसी का कर्म है कि उसको याद दिला दे कि यहीं पे हैं, कहीं जा नहीं रहे, और कन्याएं भी यहीं पे हैं, जब बाहर जाएं आप उनसे दोस्ती करें, उनका सम्मान करें, और वो कहे कि सीटी बजा दो तब बजा लेंगे। बिना किसी कन्या की आज्ञा के, तो हम समझिए कि 2 कन्याएं आपसे अनुरोध करती हैं कि सीटी मत बजा, बंद करा दूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत तालियां बजाइए। इनमें आपकी गलती नहीं है, मैं जैसे ही पीछे मुंह करता हूँ आपको मेरी जुल्फें दिखती है, आप चीटी बजा देते हो। धारा 377 सुनिए आनंद ली। लिमका समझ के लाए थे बाजा निकल गया, बस यही है। बनाना
ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूं जी, क्लास में अध्यापक आए बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। बड़ी की मात्रा की छोटी की, मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा कर कबीर से, हिंदी के अध्यापक दोबारा आ गए। बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा कर मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने दो मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा मिसाइलों का मैं क्या करूंगा, वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है फेंक देना। चीनी को जमा कर कबीर से, गणित का अध्यापक आ गए। गणित का अध्यापक बोले एक्स की वैल्यू बताओ, मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा कर कबीर से गंजा बना दूं। अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा जी आई लव यू। चीनी को जमा कर कबीर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक दोबारा आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा कर, दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले, मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा। मैंने कहा जी वो नहीं लौटा। बोले क्यों तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं। चीनी को जमा कर कबीर से गन्ना बना दूं। सामान्य ज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम आठवीं पास करके नौवीं में गए। चीनी को, अच्छा देखो आगे मैं कुछ भी सुनाऊं, आगे से पीछे तक सभी लोग एक बार जोरदार तालियां इसरो के लिए बजाइए। ये तालियां इसरो के लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठे। चीनी को जमा कर कबीर से, मैं सच बता रहा हूं आपको, आप कितने आनंदित हो रहे हैं, विज्ञान के अध्यापक आ गए। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा कर कबीर से गन्ना बना दूं। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं अंतिम चार लाइनें सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। जो मुझे सर्वाधिक पसंद है और मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है कि मनहूस से चेहरों को सदा काटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छाटता हूं मैं। बांटता हूँ